तो हो गया भाई आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले आईपीएल की हर एक टीम के रिटेंशन की अनाउंसमेंट हो गया और सभी टीमों ने अपने अपने रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट ला दी है जो कि हमने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया ही था। लेकिन इस वीडियो में थोड़ा डिटेल से हर एक टीम के ऊपर चर्चा करेंगे कि कौन सी टीम के किस खिलाड़ी ने कितने करोड़ की रिटेंशन मांग की थी, कितने करोड़ उनको मिले हैं और सभी टीमों के पास कितने पर्स मनी बचे हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे ल्यूक्स क्रिक चैनल को, जहां पे क्रिकेट से जुड़ी हर खबर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं आईपीएल के सभी 10 टीमों के रिटेन खिलाड़ियों के बारे में और शुरू करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम से। तो आरसीबी की टीम ने 3 खिलाड़ियों को रिटेन किया, जो है विराट कोहली 21 करोड़, रजत पाटीदार 11 करोड़ और यश दयाल 5 करोड़। इन 3 खिलाड़ियों को आरसीबी की टीम ने रिटेन किया है। मोहम्मद सिराज रिटेन नहीं हुए हैं और वहीं विराट कोहली, पाटीदार, यश दयाल जैसे इंडियन खिलाड़ी को रिटेन किया गया है। ओवरसीज खिलाड़ियों में किसी का भी नाम इस लिस्ट में नहीं है। दूसरे नंबर पे टीम आती है मुंबई इंडियंस की टीम, और मुंबई इंडियंस की टीम ने 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। सबसे पहले जसप्रीत बुमराह 18 करोड़, हार्दिक पांड्या 16 करोड़ 35 लाख, तीसरे सूर्य कुमार यादव, चौथे हैं रोहित शर्मा, इनको भी 16-35 मिले हैं, लेकिन पांचवे हैं तिलक वर्मा जिनको 8 करोड़ में मुंबई इंडियंस की टीम ने रिटेन किया है। और इसी तरह से ये मुंबई के टॉप 5 रिटेन खिलाड़ी हैं। सभी खिलाड़ी मुंबई के टीम में ही खेलेंगे, चाहे रोहित हो, सूर्या हो, हार्दिक हो, बुमराह हो, कोई किसी को भी छोड़ के नहीं जा रहा। वन फैमिली अभी भी वन फैमिली ही है। चेन्नई सुपर किंग के टीम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस टीम ने भी 5 को रिटेन किया है। सबसे पहले रविंद्र जडेजा 18 करोड़, ऋतुराज गायकवाड को भी 18 करोड़ मिले हैं, तीसरे हैं मथिसा पथिराना जिनको 12 करोड़, चौथे शिवम दुबे इनको भी 12 करोड़ और पांचवे एमएस धोनी अनकैप खिलाड़ी 4 करोड़ में रिटेन हुए हैं। और इस तरह से ये हो गए सीएसके के टॉप 5 रिटेन खिलाड़ी। एक आरटीएम कार्ड इनका इनके पास बचता है जिनका यूज ये ऑक्शन में कर सकते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की बारी आती है। तो इस टीम ने 6 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, यानी कि इनके पास अब आरटीएम नहीं है। सबसे पहले सुनील नारायण 12 करोड़, वरुण चक्रवर्ती 12 करोड़, रिंकू सिंह 13 करोड़, सबसे ज्यादा इनको केकेआर ने दिया है। चौथे आंद्रे रसल 12 करोड़, पांचवे हर्षित राणा अनकैप खिलाड़ी 4 करोड़, छठे रमनदीप सिंह अनकैप खिलाड़ी 4 करोड़। तो इस तरह से केकेआर ने टोटल 6 खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया है, जिसका मतलब है कि इनको आरटीएम कार्ड ऑक्शन में नहीं मिलने वाला। श्रेयस अय्यर रिलीज हो चुके हैं, जो कि थोड़ा शॉकिंग था क्योंकि पिछले साल ही तो ट्रॉफी जीताई है और इस साल रिलीज हुए हैं। पंजाब किंग्स की बात कर लेते हैं। तो इस टीम ने सिर्फ 2 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जो कि एक्सपेक्टेड था। सबसे पहले शशांक सिंह अनकैप्ड खिलाड़ी 5.5 करोड़ में रिटेन हुए हैं, उसके बाद प्रभ सिमरन सिंह अनकैप्ड खिलाड़ी 4 करोड़ में रिटेन हुए हैं। तो इस तरह से टोटल 2 खिलाड़ियों को पंजाब ने रिटेन किया है। आरटीएम कार्ड इनके पास 4 होगा ऑक्शन में, जिनका यूज ये राहुल चहर हो गए, फिर उसके बाद अर्शदीप सिंह हो गए, इन सभी खिलाड़ियों पे कर सकते हैं। हालांकि अर्शदीप सिंह का रिटेन होना कहीं ना कहीं बनता था। लखनऊ सुपर जायंट्स की बात कर लेते हैं। तो इस टीम ने भी टोटल 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। सबसे पहले निकोलस पूरन 21 करोड़ उनको दिया है एलएसजी ने, दूसरे रवि बिश्नोई 11 करोड़ में रिटेन हुए हैं, तीसरे मयंक यादव ये भी 11 करोड़ ले गए, चौथे आयुष बदौनी 4 करोड़ अनकैप खिलाड़ी है, पांचवे मोहसिन खान ये भी अनकैप खिलाड़ी है और 4 करोड़ इनको भी मिला है। तो इस तरह से एलएसजी ने टोटल 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। केएल राहुल का नाम नहीं है, मार्कस स्टोइनिस का नाम नहीं है, तो ये सभी खिलाड़ी अब एलएसजी के जर्सी में नहीं दिखने वाले। गुजरात टाइटंस की बारी आती है और इस टीम ने भी 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया, जिसमें 3 कैप्ड खिलाड़ी 2 अनकैप्ड हैं। सबसे पहले राशिद खान 18 करोड़, शुभमन गिल 16.5 करोड़ में ये मान गए हैं, तीसरे नंबर पे हैं साई सुदर्शन जो कि सिर्फ 8.5 करोड़ में मान गए हैं, चौथे खिलाड़ी हैं राहुल तेवतिया अनकैप्ड खिलाड़ी 4 करोड़ में रिटेन हुए हैं, पांचवे हो गए शाहरुख खान ये भी अनकैप्ड खिलाड़ी है और 4 करोड़ में ये भी मान गए हैं। और डेफिनेटली जी टी इनको 4 करोड़ में रिटेन कर ही लेगी जब 4 करोड़ में कोई खिलाड़ी तैयार हो रहा है। तो
राजस्थान रॉयल्स की बारी आती है और इस टीम ने टोटल 6 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, यानी कि नो आरटीएम कार्ड। सबसे पहले यशस्वी जायसवाल 18 करोड़, दूसरे पे आते हैं कप्तान संजू सैमसन 18 करोड़ इनको भी दिए गए हैं, रियान पराग तीसरे पे आ गए जिनको 14 करोड़ मिले हैं, चौथे पे ध्रुव जुरेल द विकेट कीपर बैट्समैन इनको भी 14 करोड़ मिले हैं, पांचवे पे हैं सिमरन हेटमायर जिनको 11 करोड़ दे रही है राजस्थान रॉयल्स की टीम, और छठे हैं संदीप शर्मा जो कि एक अनकैप खिलाड़ी के तौर पे रिटेन हुए हैं, 4 करोड़ राजस्थान ने इनको दिया है। और इसी तरह से ये हो गए राजस्थान के टॉप सिक्स रिटेन खिलाड़ी, जिसमें यूजी चहल और बटलर बोल्ट और अश्विन जैसे खिलाड़ियों का नाम नहीं है। लेकिन आगे बढ़ते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की तरफ और इस टीम के 5 रिटेन खिलाड़ी हैं। सबसे पहले हैं उस लिस्ट में पैट कमिंस 18 करोड़, दूसरे पे ट्रेविस हेड 14 करोड़, लेकिन तीसरे हैं हिंदिश क्लासिन जिनको 23 करोड़ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ऑक्शन से पहले ही 23 करोड़ हैदराबाद ने इनको दे दिया। चौथे हैं अभिषेक शर्मा जिनको 14 करोड़ में SRH की टीम ने रिटेन किया। पांचवे नीतीश कुमार रेड्डी 6 करोड़ में इनको सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने कन्विंस कर लिया है। तो इस तरह से हैदराबाद की टीम के ये टॉप 5 रिटेन खिलाड़ी हैं और लगभग इन्होंने अपने सारे मेन खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया है, जो कि SRH के फैंस के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन अब बारी आती है लास्ट टीम जो कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम है और DC की टीम ने 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। सबसे पहले अक्षर पटेल 16.5 करोड़, उसके बाद कुलदीप यादव जिनको 13.25 करोड़ मिले हैं, तीसरे खिलाड़ी हो गए ट्रिस्टन स्टब 10 करोड़ में दिल्ली ने इनको रिटेन किया, चौथे हैं अभिषेक पोरेल 4 करोड़ में ये रिटेन हो गए जो कि एक अनकैप खिलाड़ी थे, और इस तरह से ये DC के टॉप 4 रिटेन खिलाड़ी हैं। ऋषभ पंत को इन्होंने रिटेन नहीं किया है, इसका मतलब कि वो ऑक्शन में आएंगे। जैक फ्रेसर मगर को भी इन्होंने रिटेन नहीं किया है तो वो भी ऑक्शन में आएंगे। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो ऑक्शन है ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑक्शन होने वाला है। तो ये हो गए सभी 10 टीमों के रिटेन खिलाड़ी। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि अब बताते हैं आपको सभी 10 टीमों के पर्स मनी के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये है IPL 2025 के लिए सभी 10 टीमों की पर्स मनी। पंजाब के पास सबसे ज्यादा है 110, RCB के पास 83 करोड़, DC के पास 73 करोड़, LSG के टीम के पास 69 करोड़, GT के टीम के पास भी 69 करोड़ बचे हैं, चेन्नई सुपर किंग के टीम के पास 55 करोड़, KKR के पास 51 करोड़, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के पास 45 करोड़, मुंबई इंडियंस की टीम के पास भी 45 करोड़, और सबसे कम राजस्थान रॉयल्स की टीम के पास है जिनके पास 41 करोड़ का पर्स मनी है। और टोटल सभी 10 टीमों के मुकाबले पंजाब के पास सबसे ज्यादा पैसा है, मतलब कि मेगा ऑक्शन में पंजाब की टीम बड़े खिलाड़ियों के पीछे जाएगी, ऋषभ पंत के पीछे जाएगी, मिचेल स्टार्क के पीछे जाएगी, KL राहुल के पीछे जाएगी, ये जितने भी बड़े नाम है बेन स्टोक्स हो गए इनके पीछे जाएगी, और हो सकता है कि एक बहुत ही तगड़ी स्क्वाड पंजाब की टीम इस मेगा ऑक्शन में तैयार कर दे 110 करोड़ के पर्स मनी के साथ। तो ये हो गए सभी 10 टीमों के रिटेन खिलाड़ी और पर्स मनी। ऐसी बहुत सारी खबरें हम आपको अपने टेलीग्राम पे भी देते हैं, तो अभी जाइए जाके ज्वाइन कर लीजिए एंड सब्सक्राइब करिए ल्यूक्स क्रिक चैनल को, जहाँ पे क्रिकेट से जुड़ी बहुत सारी खबर आपको देखने को मिलती रहेगी।